हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेबी नाइट सूट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ब्यूटीफुल सा कपड़ा लिया है, हमने इसको डबल करके रखा है ऐसे। इसकी लंबाई ली है हमने 19 इंच। हमारा ये बेबी के नाप के हिसाब से 15 इंच तैयार रखना है हमें, तो हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और चौड़ाई ली है हमने 7.5 इंच, मतलब 14.5 इंच हो गई। तो ये हमने आधा इंच फालतू लिया है बेबी के साइज़ के हिसाब से। ये पीछे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट में हम लंबाई तो सेम ही रखेंगे और चौड़ाई 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, 9.25 इंच लिए। अब हम इसको यूँ रख के, ये देखो हमने 2 इंच ज़्यादा लिया, इसको भी हमने यूँ डबल करके रख रखा था, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब हम सबसे पहले इसको काट देंगे। आगे वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा लिया, जो बीच में से कटाई कर देंगे। अब हम यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे बेबी का, कितने मोटे हैं। तीरा कितना लेंगे, 5 इंच पे लेंगे हम, 5.25 इंच ले लेते हैं, 5.25 इंच लेंगे। और यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, ऐसे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से लिया हमने 5.25 इंच, यहाँ से लिया। ये है हमारी पीछे वाली साइड, ये तो हमने इतना एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखा है। यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से लेना है 5.5 इंच पे निशान लगाया। फिर हम यूँ निशान लगाया और फिर ऐसे करके थोड़ी सी कटाई डाल के काट देंगे। अब हम लगाएंगे गले का निशान। गले के लिए यहाँ से पीछे वाले में लगाएंगे 2 इंच और नीचे से लगाएंगे 1 इंच। ये बैक साइड है, बैक साइड गले पे निशान लगा रहे हैं। इसको बस थोड़ी सी कटाई ऐसे काट देना है। हमने काट दिया, अब इतना ही हमें, ये हमने एक्स्ट्रा लिया जो उसके निशान लगाने, कितना एक्स्ट्रा लिया है ये देखो। पीछे वाले गले के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है, कितने इंच, ये है अपना 2 इंच। नीचे लगा लेंगे अपने, नीचे भी 2 इंच भी लगाएंगे, इसमें भी गोलाई देते हुए काट देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये पूरे ही काटेंगे। गोलाई सिर्फ एक बात ध्यान देनी है, गोलाई सिर्फ अपने हमको यहीं से देनी है। और ये तो एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए है, तो ये भी साथ में कट होगा। देखो इस प्रकार से हमने, ये हमारा ये आगे वाली साइड है, इसके 2 पार्ट्स हैं, और ये सूट की पीछे वाली साइड है, बैक साइड। अब हम यहाँ वाला निशान लगा लेंगे, इसको हमने वापस वैसे ही रखा है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से थोड़ी सी हम चौड़ाई लेते हैं बच्चे की, और यहाँ पे थोड़ा सा कम, जैसे यहाँ पे रखा था हमने 7.5 इंच, मतलब 7 इंच तैयार होएगा। यहाँ से लेंगे 6 इंच तक, और इसकी थोड़ी सी यूँ गुलाई में यूँ निशान लगाएंगे। यूँ ये सिलाई वाली निशान लगा रहे हैं अपने, यहाँ पे अपने को सिलाई करनी है। यहाँ पे पीछे भी लगा लेंगे वैसे ही। सिलाई करनी है यहाँ से, नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फोल्डिंग के लिए है, वैसे तो अलग पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम बाजू बनाएंगे। इसके लिए लंबाई ली है कपड़े की 15.5 इंच और यूँ चौड़ाई है 13 इंच। इसको यूँ फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किया एक बार और दूसरी बार ऐसे फोल्ड किया। यहाँ से भी लंबाई ले सकते हैं, जैसे हमारा तैयार है 4.5 इंच, पूरा 4.5 इंच तैयार है, हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, 8 इंच लिया। अब आधा इंच इधर आ जाएगा सिलाई में और 3 इंच इधर फोल्डिंग के लिए आ जाएगा। 4.5 इंच की हमारी बाजू तैयार रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि ऊपर की साइड ये वाला पार्ट आएगा बंद, ऐसे फोल्ड करना है। ऊपर की साइड हमेशा बंद वाला पार्ट आएगा, इस साइड खुला, इस साइड भी खुला हो सकता है, तो हम कटाई करेंगे इस साइड से। अब हमने देखो इसमें 5.5 इंच पे कटाई की थी, तो ये 6 इंच ले लेंगे इसकी चौड़ाई, तो बहुत है। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा 6.5 इंच लिया। अब हम यहाँ से 4 इंच तैयार है हमारा, तो इतना एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे कटाई करेंगे। ये हमारा फोल्डिंग है इतना, तो इस पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से इसको काट दिया, थोड़ी सी कटाई इसे भी करेंगे, इसे भी करते हुए
हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई। इस प्रकार कुर्ते की कटिंग तैयार है। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। 21 इंच हमारा पजामा तैयार, हमें 16 इंच का चाहिए, 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए और 3 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। और चौड़ाई हमने लिए बेबी के हिसाब से ले लेंगे, हमने लिए 15 इंच। अब हम इसको एक बार और यूँ फोल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे इसके निशान लगाएंगे। ये देखो, ये एक साइड से खुली है और ये है दो, इसकी चारों लेयर बंद है। अब हम यहाँ से इधर से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे, 2 इंच फोल्डिंग के लिए, 2 इंच फोल्डिंग के लिए, 2 इंच फोल्डिंग का निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से झोली के लिए, झोली के लिए निशान लगाएंगे, 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगा दिया। और यहाँ से 1 इंच, 1 इंच पे निशान लगा देंगे और थोड़ी सी गोलाई देके हम 1 ईयर बेबी के लिए नाइट सूट बना रहे हैं। और नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे 3 इंच, 3 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे। और यहाँ से 5 इंच तैयार चाहिए हमें। तो ये तो हम जितना हमें चाहिए, सिलाई का निशान यहाँ पे लगेगा, ये सिलाई के निशान है। और कटिंग का निशान हम थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फोल्डिंग वाली जगह पे यूँ कट लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे पजामे की कटिंग भी तैयार है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए आप हमारी पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।